गुरुवार को शहर में प्रतिबंधित संगठन जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की। NIA को अलग अलग सिम के जरिए पाकिस्तान में संदिग्ध व्हाट्सएप ऐप चैटिंग की जानकारी मिली थी। इसी जानकारी पर गुरुवार को नागपुर के सतरंजीपुरा इलाके में NIA की छापेमारी की आशंका है और व्हाट्सएप पर पाकिस्तान के एक व्यक्ति से संदिग्ध चैट की जा रही है और इसी चैट की जांच फिलहाल चल रही है। जानकारी मिली है कि अख्तर रजा वल्द मोहम्मद मुख्तार और अहमद रजा वल्द मोहम्मद मुख्तार से पूछताछ की गई है। NIA की टीम सुबह 4 बजे सतरंजीपुरा इलाके में पहुंची। NIA के इस छापेमारी से नागपुर में हड़कंप मच गया है। पूछताछ के बाद लौटी NIA की टीम अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। NIA की टीम से कुछ सिम भी कार्ड जब्त किए गए हैं। अख्तर रजा वल्द मोहम्मद मुख्तार और अहमद रजा वल्द मोहम्मद मुख्तार दोनों ऑटो चालक हैं। तीसरा शख्स गुलाम मुस्तफ़ा कादिर रिजवी है, जिसका संतरे के बाजार में फल बेचने का कारोबार बताया जा रहा है। साथ ही गुलाम मुस्तफ़ा जमाते रजा मुस्तफ़ा एकेडमी के स्वयंभू अध्यक्ष हैं। मोहम्मद मुंजिर, आज 4 बजे के लगभग वो टीम आई थी, वो बच्चे को जो बच्चे ने 2017 में पाकिस्तान में फ़ोन लगाया था दीनी मामले के सवाल जवाब के लिए, और ऐसे कोई वैसा बच्चा है नहीं, वो सब हमारे सामने के बच्चे हैं। आज सुबह यही टीम आई थी ईडी की, हाँ NIA की टीम आई थी, उनसे पूछी कि भैया आपने फ़ोन ऑन क्यों लगाया, तो उन्होंने बताया बच्चे ने कि आप मेरा जो रिकॉर्ड है वो तो आपके पास है, आप खुद देख लो मैंने क्या बोला। हाँ, और दीनी मामले के बारे में उन्होंने पूछा, जैसे नमाज के तरीके हो गया और जो रहते हैं ना कुरान शरीफ पढ़ने के सही जो मायने रहते हैं सही निकालना पड़ता था बांध पे, वो सब पूछने के लिए उन्होंने लगाया था। 2017 की बात है, उसके लिए आज आए बहुत सारे 4 बजे रात को, सबको उठाया, सब डर गए क्या हो गया करके, सबके दरवाजे ठोकरे, लड़का तो मिल रहा नहीं था, वो उसका घर वहाँ अंदर था, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है इसको मैटर। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।